सो गुड इवनिंग गाइस, सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक जो भी ये मेरा वीडियोस देख रहा है। एंड आई होप कि सब लोग ठीक हो, हेल्दी हो और ये सब कोरोना से दूर रहे हो। सो आज का मेरा वीडियो पोस्ट लॉकडाउन पर है। मैं घर से बहुत दूर आ गया था बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था। सो कम से कम नहीं तो अभी मैं 2-3 किलोमीटर दूर आ गया फिर मुझे पता चला कि मेरा कैमरा ऑन ही नहीं है। सो चलो कोई बात नहीं, फिर से मैंने आपको ग्रीट कर दिया और ईद मुबारकबाद दे दी। सो आज मैं यही दिखाना चाहता हूँ आप सबको कि पोस्ट लॉकडाउन क्या हालत है अभी। जैसे आप सबको पता है कि मैं सूरत में रहता हूँ तो गुजरात में सूरत सेकंड नंबर पर है कोरोना केसेस पर। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, बट वही जैसा जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद ही ऑफिस और ये सब के चक्कर में मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था और लॉकडाउन में बाहर निकलना सही नहीं था सो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। बट आज मौका मिला है सो सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो बना दूं। और ये जो लॉकडाउन 4 है मुझे तो समझ नहीं आया, मतलब सब कुछ तो खोल दिया है, लॉकडाउन 4 को 4 का नाम देना शायद ज़रूरी नहीं था क्योंकि जब सब कुछ खुल ही गया तो क्या ही का लॉकडाउन। बट हाँ, लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ मतलब रेस्ट्रिक्टेड है सब कुछ। रेस्ट्रिक्टेड तो तभी है भाई जब 7 बजने के बाद मोमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके बाद ही रेस्ट्रिक्शंस है, उससे पहले तो लॉकडाउन का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब पार्शियल लॉकडाउन बोलो, मतलब 90% ओपन कर दिया, 10% खुला रखा है वो कह सकते हो आप। अब लॉकडाउन के पीरियड में बहुत कुछ हुआ, 2 महीने लॉकडाउन था तो मैं ये सोचता था कि कुछ नया सीखेंगे, कोई नई स्किल्स डेवलप करेंगे। बट रोज़ सुबह उठता था कि आज कुछ नया सीखूंगा, आज कुछ नया करूंगा। दिन बीतते गए, रोज़ सोचता गया और लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कुछ नहीं सीख पाया। बस खाया पिया, पबजी खेला और सोया, पबजी में प्रो हो गया बस। हाँ, और इसी लॉकडाउन के टाइम पर YouTube वर्सेस TikTok भी एक कांड आया। तो अगर मेरे वर्ड्स हो इस टॉपिक पर तो मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है, उसमें रहने वाले लोग गलत हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है। क्योंकि TikTok भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, आई मीन है, पता नहीं कब तक रहेगा। बट वही है कि जो भी मतलब 15 सेकंड के वीडियोस बनाना चाहता था, 60 सेकंड के वीडियोस बनाना चाहता था, अपना टैलेंट दिखाना चाहता था तो उस पर सब कर सकते थे। बस कुछ लोगों के वजह से उसमें हेट इतनी मिल रही है कि स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं टिकटॉकर्स के तरफ से कि यूट्यूब के कंटेंट कॉपीड होते हैं और उस पर लोग मतलब टैलेंट नहीं होता यूट्यूबर्स के पास। बट देखो यार, यूट्यूब का कंटेंट अगर कॉपीड हुआ तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब आप कौन सा नया कंटेंट बना रहे हो, आप तो लिपसिंग कर रहे हो। और गानों के ऊपर आप अपने 15 सेकंड के वीडियोस बना के डाल रहे हो तो कॉपी तो वो भी हुआ ना। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही हेट फैलाना चाहता हूँ, बट जो सही बात है वो तो सही है ही। तो आप YouTube को टारगेट कर रहे हो तो वो तो गलत है ना। मैं भी TikTok पे था
A few moments later. कुछ दिनों के लिए मैंने भी वीडियोस डाले थे, बट मैंने कोई मतलब बना बना के नहीं डाले थे वीडियोस, जस्ट मेरे जो पुराने वीडियोस थे मैं उसी को अपलोड करता था गाने वाने लगा कर, जस्ट देखना चाहता था कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है। तो काफ़ी मतलब जल्दी उस पर प्रोग्रेस करते हैं, ये तो मैंने देख लिया। मैंने एक वीडियो डाला था और उस पर मुझे व्यूज़ मिले थे अराउंड 25K, और दूसरे मतलब वही मतलब मजाक देखो आप, वही सेम वीडियो मैंने वापस डाला तो उस पर 3,000 व्यूज़ आए। मतलब कुछ भी करो टिकटॉक पे व्यूज़ तो आने ही हैं। और लगा लो वही सेम यूट्यूब की बात, इस पे व्यूज़ आना मतलब बहुत मुश्किल है, आपको अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, अच्छी एडिटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके आप यूट्यूब पे थोड़ा सा अपना नाम बना पाओगे। बट ऐसा टिकटॉक पे नहीं है, मतलब कुछ भी डालो कुछ भी करो व्यूज़ तो मिल जाएंगे आपको, फेमस बहुत जल्दी हो जाओगे आप। और मतलब वही है कि आसानी से मिली हुई कामयाबी लोगों को हजम नहीं होती है, वही वाला सीन अभी हो रहा है टिकटॉकर्स के साथ। बट चलो सब अपनी अपनी सोच है, सब अपनी जगह पर सही है, क्या ही कर सकते हैं। बट वही है कि हेट नहीं फैलाना चाहिए। सो चलो व्लॉग को एंड करते हैं। अब एंड में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा मैं आप सबसे कि देखो भाई, मतलब सरकार ने बाहर निकलने को बोला है, मतलब लॉकडाउन में आपको बाहर निकलने का परमिशन मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुलेआम खुले सांड की तरह घूमते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, इधर उधर ना थूकें, और लोगों से नमस्ते करके ग्रीट करें, हाथ ना मिलाएं, और ज़रूरतमंदों को मदद करें, यही मैं कहना चाहूँगा। और जैसे कि मैं कहता हूँ, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड राइड सेफ, बाय।